हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वक्त हम ज्यूरिख में और हम वेट कर रहे हैं शटर का एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट तो था नहीं प्लान में, ये कहाँ से आ गया। सो यही तो था सरप्राइज आप सबके लिए, मेरे घर वालों के लिए भी। मेरे घर वालों को भी इस दफा नहीं पता कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। सो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, पर अरसान जो है मेरे साथ नहीं जा रहा है इस दफा। ये मेरे आने के बाद जाएगा, शायद जाए तो मैं प्लान कैंसिल कर ले। ये तो भाग, ये दिन काउंट करना शुरू करे ऐसे मैं आऊँ फिर ये जाए। सो टेंशन भी है कि सफर अच्छा गुजरे, क्योंकि होता है ना दो बंदों की कंपनी होती है तो सफर अच्छा गुजरता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम सोलो ट्रेवलिंग होने वाली इतनी ज्यादा, और होता था जिनको नहीं पता जहाँ पे भी हम हैं। आपने अगर मेरी ज्यूरिख की वीडियो नहीं देखी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो जिस होटल में मैं स्टे किया था उन्होंने ना हमें फ्री शटर सर्विस प्रोवाइड की थी। सो फ्री थी तो स्टांग से छोड़ सकते हैं। सो हमने कहा नहीं, इसीलिए हम जाएंगे। सो बिल्कुल सामने ही एयरपोर्ट है, देखें पूरा व्यू नजर आ रहा है एयरपोर्ट का, आप देख सकते हैं। सो बस अब टाइम ज़ाया नहीं करते, थोड़ी पैकिंग वगैरह रहेगी, पैकिंग फाइनल करते हैं और एयरपोर्ट पर जाके आपसे मिलते हैं। चूज की थी वो थी इतिहाद एयरवेज, चूज तक की थी जो चीप मिली थी वही देगी। और जी हमने करवाई थी ज्यूरिख से, स्विट्जरलैंड से, क्योंकि जर्मनी के जितने भी शहरों से हम देख रहे थे ना वो हमें एक्सपेंसिव पड़ा था एज कम्पेयर टू ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। सो हमने सोचा वाई नॉट, इंस्टाग्राम पे एक टैग भी लग जाएगा, हमारा एक ब्लॉग भी बन जाएगा और हम एक सिटी कंट्री भी एक्सप्लोर करने का। इसका ब्लॉग जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफी मजा आया था हमें। और मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स है ना तो आप एक दिन पहले ही वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि क्या हुआ था, एक दोस्त हमारा था उसकी फ्लाइट थी, वो सुबह सुबह चला गया मैं फ्लाइट पकड़ लूँगा। वो तो टाइम पे था, ट्रेन लेट हो गई, और ट्रेन लेट हो गई सारे कनेक्शन लेट हो गए और उसकी फ्लाइट मिस हो गई। सो काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए बड़े नुकसान से बचने से अच्छा कि आप कुछ होता ना एक दिन पहले चले जाएँ, वो घूम भी लें वो जगह, कि अगर आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं बिल्कुल और यहाँ पर आपका वहाँ पर कोई जाने वाला नहीं है। सब लोग ये सोच रहे होंगे टिकट की प्राइस क्या थी। सो टिकट की प्राइस 600+ यूरोस। मैं जिसको भी बता दूँ प्राइस वो सब हैरान हो रहे हैं, क्योंकि आजकल टिकट 800+ यूरोस में मिल रही है जर्मनी से पाकिस्तान की। मतलब सारी टिकट एक्सपेंसिव हुई है, अमेरिका से देख लो, लंदन से देख लो, सब टिकट एक्सपेंसिव हुई हुई है। और लेकिन हमें काफ़ी अच्छी मिली, क्योंकि हमने काफ़ी दो हफ्ता पहले करवाई थी, मतलब एक ही सीट रह गई थी जो मैंने बुक करवाई। और जैसे मैंने ये बुक करवाई ना उसके बाद 40,000 यूरोस में पहुंच गई सीरियसली। लेकिन अगर आप लोगों ने आना है तो आप महीना पहले ऑलमोस्ट देखना शुरू कर दें, क्योंकि आपको तभी सस्ती फ्लाइट मिलेगी, वरना बहुत जब जैसे टाइम फ्री बता जाएगा टिकट बहुत महंगी होती जाएंगी। ऐसे सब जगह पे यही रूल होता है। अरसान काफी उदास था क्योंकि वो इस दफा मेरे साथ नहीं जा पा रहा था। और मेरा तीसरा विजिट है पाकिस्तान को, पहले दोनों विजिट में अरसान मेरे साथ आया था। कंपनी हो जाती है ना तो मजा आता है कि सफर बोर नहीं गुजरता आपका। सो इस दफा लेकिन शुक्र है मैंने गुजार लिया सफर, जितनी वीडियोस मुझसे हो सके मैं बनाता रहा आपके लिए। लेकिन अरसान को था कि वो उसका दिल बहुत था कि वो थोड़ा बिजी था और मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं जाके बिजी हो जाऊंगा। सो इसलिए हमने कहा नहीं कि चले जाते हैं, फिर जैसे ही मैं जाऊंगा वो आ जाएगा। सो ये चलता रहता है। लेकिन मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप साल में एक चक्कर जरूर लगा लिया करें, कि आपको होम सिकनेस नहीं होती, आप लोगों को खबर मिलती रहती है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हालात है यहाँ के। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबका ये है कितना लगेज अलाउड था। सो 30 kg का एक बैग था और 7 kg का हैंड कैरी जो होता है वो था। और लेकिन शुक्र है मेरा पूरा 29.4 kg आया। सो बड़ी खुशी होती है जब आपका वेट पूरा हो जाए ना, क्योंकि हम बहुत डर रहे थे कि वेट मशीन भी नहीं थी एक्जैक्टली। सो बड़ा ना हमने रफ वेट किया था, लेकिन शुक्र है पूरा हो गया। और साथ हैंड कैरी का तो वो वेट करते भी नहीं है, इसलिए आप हैंड कैरी में 1-2 किलो अगर एक्स्ट्रा भी रख लेंगे ना तो खैर होती है। सो शुक्र है सामान क्लियर हो गया, उसके बाद जो चेकिंग वगैरह होती है बहुत सारी क्लियर होगी। एक ना चेकिंग बहुत डर लगता है मुझे, एक एक चीज़ उतरवाते हैं, बेल्ट उतरवा लो, बैग में से लैपटॉप वगैरह निकालो, डर ही लगता है कोई चीज़ निकाल ही ना रहे कि आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन शुक्र है सब कुछ उन्होंने आने दिया, बोर्डिंग पास मिल गया तो रिलैक्स हो जाता है, बोला यार चलो अब मैं फ्लाइट में पहुंच ही जाऊंगा। सो एज यूजुअल आपको एयरपोर्ट पे बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स होती हैं, लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, पर वो जो वन ही हम खरीद रहे होते हैं ना उसी में दूसरे के पैसे पूरे हो जाते हैं। सो बंदा कहते हैं इनसे दूर ही रहो, बस बाय बाय से हम देख रहे थे। काफी खूबसूरत एयरपोर्ट था ज्यूरिख का भी, वो हमने काफी मैंने इन्जॉय किया। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मतलब क्योंकि जैसे मैं गया तो इतना टाइम हो गया कि मेरा फ्लाइट टाइम हो गया, मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ा। सो ज्यूरिख एयरपोर्ट पे भी आपको फ्री इंटरनेट मिल जाएगा, आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाना है एयरपोर्ट पे और उनको अपना पासपोर्ट दिखाना है, वो आपको एक कोड दे देंगे, वो आप कोड लगाएंगे और आपका नेट 4 घंटे 4 घंटे के लिए वैलिड होता है। आप एयरपोर्ट में 4 घंटे के लिए फ्री वाईफाई यूज कर सकते हैं। सो और क्या चाहिए आपको, वेट का पता भी नहीं चलेगा, यूं टाइम हो जाएगा। अब
नेक्स्ट चीज जो सब मुझसे पूछेंगे कोरोना के बारे में, कोरोना का टेस्ट करवाया था कि नहीं, सो इसका आंसर है नहीं, इस दफा मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया कोरोना का और वैक्सीनेशन भी दिखाई थी, लेकिन मेरी मुझे तीनों डोजेज लगी हुई है वैक्सीनेशन की, पर किसी ने मांगा ही नहीं। आई थिंक पाकिस्तान से जाते हुए ना ये लोग जरूर पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर जरूर मांगेंगे, सो आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, पर टेस्ट वगैरह करवाने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि ये खर्चा बच गया, क्योंकि हमेशा ना 50 साल चलो तो आपके टेस्ट नहीं लग जाते थे यार एक साइड के, सो वो टेंशन खत्म हुई। और टेंशन अलग से कि जाओ पहले टेस्ट करवाने, नेगेटिव ना पॉजिटिव ना आ जाए वो अलग टेंशन, लेकिन शुक्र है अब काफी हालात बेहतर हो गए, खत्म हुए। मास्क भी इस तरह मैं आपको बताऊं तो एयरपोर्ट पे किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, जब हम फ्लाइट में एंटर हो रहे थे ना तब उन्होंने कहा था कि आप अपने अपने मास्क पहन ले, वैसे हमें जहाज के अंदर जाके मिल भी गए थे लेकिन आपके पास अपना हो तो काफी अच्छा है, सो मास्क बस पहने, वो भी फ्लाइट के अंदर भी कुछ लोगों ने पहने हुए थे कुछ लोगों ने नहीं पहने हुए थे, वो तो आपकी अपनी सेफ्टी अगर आप पहनेंगे तो अच्छी बात है। तो क्योंकि मैं समझ जा रहा था इतिहाद एयरवेज पे, सो मेरा जो ले ओवर था वो था अबूधाबी में, और इतनी लंबी लाइन थी ना अबूधाबी के लिए, पहले सामान की इतनी लंबी लाइन, फिर जहाज में इंटर होने की इतनी लंबी लाइन, ऐसा लग रहा था सब लोग अबूधाबी जा रहे हैं, और जो ज्यूरिख से लेके अबूधाबी का जो डिस्टेंस था ना वो था 5 to 6 hours में हम पहुंच गए थे अबूधाबी। और इतिहाद एयरवेज की मैं आपको बात बताऊँ कि सब फ्लाइट्स ऑन टाइम थी, कोई हम लेट नहीं हुए, काफी अच्छा, मतलब जहाज टाइम पे आया, टाइम पे हम पहुंचे, जो टाइम लिखा हुआ था टिकट पे वही टाइम पे हम पहुंच रहे थे, और खाना काफी मजे का खाना था, मज़ा आया खाने का, मतलब वेज ऑप्शन भी था नॉन वेज ऑप्शन भी था वो आपकी मर्जी है, और जो रास्ते के व्यूज़ थे वो तो एज यूजुअल अच्छे ही होते हैं, मतलब काफ़ी प्यारा लगा। मेरी विंडो सीट नहीं थी इस दफ़ा, मेरी थी ज्यूरिख से लेके अबूधाबी तक मेरी जो विंडो सीट नहीं थी, तो मैंने इतने व्यूज़ रिकॉर्ड नहीं किए, पर मैं ना फिर भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि मैंने आप लोगों को भी तो दिखाना था। सो फिर मैं पहुंच गया अबूधाबी एयरपोर्ट पे, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट था, वही शॉप्स वगैरह सारी देखने को मिली, पर इतना लेओवर का टाइम नहीं था मेरा, सिर्फ आई थिंक 3 hours टाइम था मेरा, और वो चेकिंग वगैरह भी गुजर गया, पता भी नहीं चला, सिर्फ एयरपोर्ट बाय बाय से देखा, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे मस्जिद भी थी, मस्जिद देखिए काफ़ी अच्छा लगा कि दो मेल्स के लिए अलग फीमेल्स के लिए अलग काफ़ी मस्जिद थी। इंटरनेट का मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे इंटरनेट के लिए फ्री वाईफाई के लिए मशीन्स लगी हुई थी, आप जस्ट अपना पासपोर्ट स्कैन करें, ईमेल डालें और आपको कोड आ जाएगा और आप फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, सो क्या चाहिए फिर, तो उस देखा पता भी नहीं चलेगा। सफर था वो था रात का और मेरी विंडो सीट मिल गई मुझे, मैंने कहा जब दिन में मेरे व्यूज दिखाने थे मुझे विंडो सीट मिली नहीं और मुझे विंडो सीट मिल गई, पर काफी ना जब सफर शुरू हुआ ना इतनी लाइटिंग, क्योंकि दुबई कहते हैं ना लाइटिंग का लाइटिंग ही लाइटिंग होती है वहाँ पे, वाकई में आप देख लोगे वीडियो में इतनी लाइटिंग नजर आ रही थी, इतना खूबसूरत लग रहा था कि गाड़ियाँ नजर आ रही थी चलते हुए, सो काफी खूबसूरत, मैंने कहा चलो शुक्र है विंडो सीट का कोई तो फायदा हुआ। स्नैक्स मिले थे इस दफा, क्योंकि मील जो मैं पहले मिल चुका था इस दफा हमें स्नैक्स मिले थे, रोल पराठा वगैरह की, काफी टेस्टी था, काफी मजा आया और खुशी भी हो रही थी कि बस हम पहुंचने वाले, क्योंकि जो बाकी अबूधाबी से जो पाकिस्तान इस्लामाबाद का जो सफर था वो सिर्फ 3 घंटे का सफर था, सो पता भी चला कैसे। अब मैं पहुंच चुका था पाकिस्तान और ना उर्दू में अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी एयरपोर्ट पे, अब मतलब लग रहा था कि हाँ भाई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन ये तो ना अबूधाबी से ही शुरू हो गया था क्योंकि अबूधाबी से ही ऑलमोस्ट सारे फ्लाइट पाकिस्तानी थे, सो काफी अच्छा लग रहा था कि यार पाकिस्तान जाने की, तब सही फीलिंग आती कि हाँ यार मैं पाकिस्तान वाकई में आ गया हूँ, वरना ख्वाब से लगता है। सो पाकिस्तान उतरते हुए काफी खूबसूरत, अच्छा वैसे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी अब इतना खूबसूरत लग रहा था ना, फ्लोर चमक रहा था सीरियसली, इतना खूबसूरत लग रहा था। शुरू में बताया था ये फुल एक सरप्राइज था, मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, सो मुझे उस चीज़ के लिए बड़ी खुशी एक्साइटमेंट से थी कि क्या होगा, लेकिन मैं अपने भाई को बता दिया था क्योंकि मैंने सोचा कि ये ना मुझे सरप्राइज मिल जाए, क्योंकि क्या हुआ था लास्ट में आपके बात बताऊँ कि हमारा एक लड़का जो जर्मनी से आया था, एक दो साल पहले ही बात है, जर्मनी से आया पाकिस्तान कराची आया सीरियसली, तो क्या हुआ वो किडनैप हो गया, सो वो बहुत टेंशन, वो आपने न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा, पता नहीं अब मुझे उस केस का नहीं पता क्या हुआ, सो मैंने कहा नहीं ऐसा सरप्राइज नहीं देना कि सब वाकई में सरप्राइज हो जाए, तो मैंने ना अपने भाई को बता दिया कि मुझे कोई लेने आ जाए, क्योंकि रात के काफ़ी लेट नाइट फ्लाइट जो है वो हुई थी, आई पहुंची थी पाकिस्तान, सो मैंने कहा नहीं कि किसी को बताना अच्छा रहेगा। फिर हम आराम से
घर पहुंचे, फिर घर को सरप्राइज दिया काफी, मतलब मेरा सरप्राइज पहली दफा मैंने सरप्राइज दिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया, मतलब किसी को कोई कानो खान खबर नहीं हुई, मतलब कि होता ना हिंट मिल गया, कोई हिंट ही नहीं मिला, तो काफी मजे का एक्सपीरियंस रहा। सामान कह गए ऐसे बैग्स मेरे जो है पहुंच के थे एयरपोर्ट पे, मतलब होता ना कि जल्दी से बैग आए तो पूछो बैग आए, एक तो बैग ही नहीं आ रहा था, मतलब सबसे पहले आप बैग जा रहा होता और बैग ही आपका नहीं आ रहा था वापस बेल्ट पे, लेकिन शुक्र बैग पहुंच गया आराम से। और मेरे आने की वजह ये भी थी कि कजन की, मेरे फर्स्ट कजन की शादी भी थी, वो भी मैंने अटेंड कर ली और मैं शादी से बिल्कुल 2 दिन पहले पहुंचा था, सो वो लोग भी सारे काफी सरप्राइज हुए, काफी खुश हो गए कि मैंने शादी अटेंड कर ली और क्या चाहिए, और बाकी काफी टाइम मैंने गुजारा यहाँ पे। और जब ये वीडियो में आपको रिकॉर्ड करूँ ना अभी जो स्टोरी टेलिंग की, इसको जब ये मैं आपको डालूंगा मैं तब तक पहुंचने वाले, मेरे वापस आने का भी टाइम हो गया सीरीज, क्योंकि इतना टाइम कुछ टाइम नहीं मिला, पाकिस्तान में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम नहीं था, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई दावतें हो रही हैं, कभी कोई घर में बच्चे भी हैं, मतलब घर को टाइम देना, तो कोई वीडियो को टाइम नहीं मिला। वीडियोज जो है ना आपको जर्मनी जाके देखने को मिलेंगी, एक आज वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा पैकिंग की वीडियो आपको दिखा दूँगी, पैकिंग कैसे क्या क्या चीज़ें मैं लेके जाऊँगा वापस, और बाकी वापसी के सफर की तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा ही। सो ये सारा था, लेकिन वही आपको मैं एक दफ़ा आखिर में फिर ये कहूँगा कि कोशिश किया कीजिए कि साल में एक बिजनेस जरूर कर लिया करें, कि घर वाले भी आपके खुश हो जाते हैं और आप भी ज़रा फ्रेश हो जाते हो, फिर आप जब दोबारा जाते हो ना तो आप और नए फ्रेश तरीके से काम करते हो और आपको ना एनर्जी मिलती है कि हाँ यार मैंने काम करना है। जैसे मैंने क्लिप्स ही बनाए साथ साथ आप लोगों की जितने भी बना सका, और क्योंकि मुझे ये भी था कि मैं मेरी कहीं फ्लाइट ही ना मिस हो जाए, वीडियो बनाता ना वो फ्लाइट मिस हो जाए। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज इमरान सिंह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।